आज हमने कमर्शियल तरीके से निहारी तैयार की है, लेकिन इतने आसानी से तैयार की है कि आप जब तैयार करेंगे तो आपको खुद हैरत होगी कि इतनी आसानी से आपने कमर्शियल वाली निहारी इतने अच्छे तरीके से बना ली है। तो किस तरह बनाई है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर वीडियो का। इसके अलावा आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे तो मुझे वॉच टाइम मिलेगा। और इसके अलावा आप ने मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुर्रम होंगे। आज जो है वो बन रही है निहारी, और निहारी जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह कमर्शियल टच होगा इसमें। तो ये जो हमने ले लिया है गोश्त, तकरीबन आधा किलो गोश्त है, हड्डियां हैं बाकी साथ में, और ये हड्डियां जो है वो आधा किलो में शामिल नहीं है, गोश्त आधा किलो है। और इसको हम उठाकर डालते हैं कुकर में, क्योंकि मैं फटाफट पकाऊंगी। तो मैंने इसमें दो जग पानी डाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है ना वो तमाम गोश्त जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि टाइम बहुत कम होता है। मसाले इसमें जाएंगे, उसमें है एक खाने का चम्मच, ये भर के टीस्पून है, लेकिन ये टेबलस्पून है जो लहसुन जो है मैंने पीसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और एक खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर है, आधी चाय की चम्मच नमक है, और एक चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिया। अब हम इसको बंद करने के बाद जब इसकी बेल सीटी बजनी चलनी शुरू होगी तो उसको 40 मिनट हमने पकाना है। तो 40 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। कुकर बंद करने से पहले एक चीज़ मैं डालना इसमें भूल गई, और ये है टाटरी, और ये जो है वो क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून है, क्वार्टर टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैं इसमें शामिल करती हूँ। ये इसमें बहुत ज़रूरी जाएगी, मैं भूल गई थी इसको। शुक्र है कि मैंने अभी कुकर का ढक्कन जो है वो बंद नहीं किया था। तो हमने इसमें डाल दिया है, और इसको जो है वो मिक्स कर देती हूँ मैं। ये जो है इसको फ्रेश रखती है टाटरी, जो है वो आपके निहारी को जो है वो फ्रेश रखेगी, खानों को फ्रेश रखती है और गलने में मदद देती है। तो हमने अब इसको 40 मिनट गलाना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 40 मिनट गोश्त जो है बहुत ही अच्छा सा गला के, यानी कि इसको मैंने इतना गलाया है कि इसके रेशे रेशे हो सकते हैं एक ही हाथ से, एक उंगली से भी। तो इसको 40 मिनट मैंने पकाया है, और मैंने गोश्त को निकाल लिया है, पानी खुश्क हो गया है। और अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर कड़ी पत्ता है, बादियान के फूल हैं, लौंग है, दालचीनी है, और यहाँ पर मैंने आधा कप से ज़्यादा घी रखा है। इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली है, जो कि आगे स्टेप में काम आएगी। तो इसमें मैं ये शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हल्का सा कड़कड़ाएँगे। हमारे पास जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है एक चाय का चम्मच ज़ीरा, जिसको मैंने पीस लिया है, आधी चाय की चम्मच से थोड़ी कम है, ये क्वार्टर टी स्पून कह सकते हैं हम इसको, ये सौंठ है। और यहाँ पर ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, जो कि आधा चाय का चम्मच है, लेकिन मोटा कुटा हुआ है, साबुत था, मैंने इसको पीस लिया है। एक चाय का चम्मच सौंफ है, जिसको मैंने पीस लिया है, और ये काला नमक है जो सिर्फ टच होगा इसका। तो अभी हम इसको डालेंगे, लेकिन इसको हम पहले पानी में डालेंगे सारे मसालों को, ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तमाम मसाले जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको मैं डाल लेती हूँ पानी में, और इनको हिला लेती हूँ, देखें इस तरह, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से जो है ना वो मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ घी था और घी में मसाला जलने का ख़तरा था। तो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने पानी ले लिया है, और यहाँ पर मेरे पास है दो खाने के चम्मच मैदा, और एक खाने का चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर, ये मैं इसमें डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसके लम्स ना रहें। आटा नहीं डालूँगी मैं इसमें, आटे वाली निहारी का तरीका जो है वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कई तरीके हैं इसके, और मैं दो तीन तरीक़ों से आपको निहारियां जो हैं वो बता चुकी हूँ, कमर्शियल तरीके वाली निहारियां। इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ बनाई है।
और ये तो बहुत ही आसान तरीका है कमर्शियल निहारी का जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से हमने ऐसे करना है कि इसमें कोई लंप ना रहे। ये हो गया मिक्स और अब यहाँ पर जो है मसाला हमारा हो रहा है तैयार। अब ये जो है मैं उठाकर इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो, और इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। अच्छा जी, इसमें चम्मच जो है ना आपने मुसलसल चलाना है, इसको लम्स ना पड़े, इसलिए इसको गाढ़ा होने तक के जब इसमें बॉयल आएगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना है। मिलती हूँ आपसे मैं जब ये गाढ़ा हो जाएगा और इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। गाढ़ा ये अभी भी होना शुरू हो गया, ये देखें, लेकिन एक ऐसा मरहला आएगा कि इसमें बबल्स बन रहे होंगे, छींटे उड़ रहे होंगे, तो वो वाला उस मरहले पर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो गया है ये हमारा मसाला और इसमें कोई लम्स भी नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें। लेकिन अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, ठीक है ये, और साथ ही मैं इसमें जो गोश्त है हमारे पास मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और पकने देंगे इसको थोड़ी देर। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास प्याज है ब्राउन हुई हुई, जो कि मैंने इसको निकाल लिया था और ब्राउन करके और फिर मैंने इसको पीस लिया। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं, तो इसमें मैं पानी डालकर इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लेती हूँ ताकि ये चिपका हुआ ना रहे, इसमें लम्स ना रहे। ये देखिए, हमने इस तरह पेस्ट बना लिया है, तो मैं इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा और इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छा सा पकता रहे, और बिल्कुल फ्लेम हमने लो कर देना है। ये तरीका जो है जी सबसे आसान तरीका है कमर्शियल निहारी का। यकीन करें, आप बनाएंगे तो आपको खुद हैरत होगी कि इतनी आसानी से आपने कमर्शियल मार्केट वाली जो है वो निहारी वो तैयार कर ली है। तो अब हम इसको रख देते हैं ढककर, इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पानी में डाल लिया है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है घी, 2 चम्मच घी मैंने रखा है गर्म होने के लिए, और घी गर्म होता है तो इसमें मैंने प्याज ब्राउन वाला ये घी है तो जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली है, तो ये घी गर्म होता है तो मैं इसको पानी के साथ मिर्च इसमें डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह घी गर्म हो गया है, इसमें शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपकी आपने चेक किया और मिर्चें इसमें कम लगी आपको, तो इसमें जो है वो टेस्ट भी ठीक हो जाएगा मिर्चों का। और नमक आप चेक करके डाल सकते हैं इस वक्त, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो नमक आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाली है। तो अब ये हमारा तड़का हो गया है तैयार, तो उठाकर इसको डालते हैं सालन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसको ढक देते हैं हिलाने के बाद कुछ देर के लिए, तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसको मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इसकी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, तो उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी निहारी जो है वो तैयार हो गई है। देखें आप इसकी फाइनल लुक, इसकी आपको देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी निहारी जो है वो तैयार हो गई है। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन मिलने के लिए, ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऑप्शन को, और इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और इसके अलावा अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आपको अपने फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको और क्या चीज़ मज़ीद चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह।